अच्छा हुआ है जी, आपके साथ सुना है कुछ अटैक हुआ है आप पे? अटैक तो नहीं इसको आप कह सकते हैं, लेकिन कोशिश की गई है। अल्लाह मालिक है, हम डरने वाले नहीं हैं। उसका तो इरादा पूरे अटैक का था ना? देखिए बात यह है, बचाने वाली जात अल्लाह पाक की है। मैंने ये पहले कहा था कि ये काम होना है, मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन थी, मुझे एजेंसीज के लोगों ने ये बता दिया था कि ये काम होना है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इधर होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने गार्ड्स थे, कुछ किसी तरीके से हम बच गए। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि ये सारी जगह पर एफसीयू लुईस और पुलिस हमें स्कॉट करती रही, पारा खान से लेकर कोयटा तक। इन्होंने वही 3 माइल का पैच छोड़ा जिस पैच पर हमारे साथ ये वारदात। मेरा इख्तलाफ या मेरी बात जो अभी आला हुकाम के साथ हुई है कि आपने वही पैच क्यों छोड़ा? इन्होंने एस्कॉर्ट किया हमें पारा खान से लेकर कोयटा तक, कोयटा से वापस लोरालाई और लोरालाई से वही पैच इन्होंने हमें एस्कॉर्ट नहीं किया जिस पैच में हम पे अटैक हुआ। ठीक है, और ठीक आधे फिर वापस कर लिया। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन। हम डरने वाले नहीं है, हमें अल्लाह पाक पे बड़ा यकीन है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। लेकिन ये जो चीज़ है इसको हम जहाँ तक हो सके पहुँचाएंगे। ये तो आज हमारे साथ अल्लाह की मदद थी, हम उसके तवक्कल पे आए थे, आप सब लोग भी साथ थे। लेकिन ये जो मामला है, मुझे एतराज़ इस पे है कि ये वो पैच छोड़ते हैं जिस पैच में हम पे हमला होता है। तो आपका क्या ख्याल है कि शायद इनको अप्रोच किया हो? देखें जी, जो मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी लोराराय से चला, तो मुझे जो खुफिया की रिपोर्ट, उन्होंने मुझे कहा कि आप आगे जाएंगे तो कुछ हो सकता है। और अब बात यह है कि उनकी रिपोर्ट यह है कि आप इन पे एतबार ना करें, तो फिर किस पे करें? बिल्कुल इन्हीं पे एतबार ना करें तो फिर किस पे करें? बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एजेंसी आपके साथ कोऑपरेट कर रही है। मेरे साथ सुबह ही वजीर है, आजी साहब मौजूद है, उन्होंने भी यही बात कही है। वडेरा यहाँ से मौजूद है, बारा खान से वडेरा खैरुद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ 2 सरदार और मौजूद हैं, मलक साहब मौजूद हैं, मेरी कर्नल साहब से बात हुई है, और कर्नल साहब इस बात पे बाजिद हैं कि हम रात को सफ़र ना करें। लेकिन क्योंकि अगर हम रात को सफ़र नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये लोग जीत गए, हम इनको जीतने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अगर हमने मरना है, हमारा वक्त लिखा है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और अगर हमने नहीं मरना तो हम आज रात को ही जाएंगे, कोई सूरत हाल नहीं है। डंके की चोट पर जाएंगे और अल्लाह के तवक्कल पे जाएंगे। अच्छा वडेरा साहब, आप इनके साथ